तो स्नेक रॉन्गलर्स और स्नेक लवर्स, आज हम आप बात करने जा रहे हैं दो सांपों की जो हूबहू एक जैसे दिखते हैं और भारत में बड़े आम है, भारत के हर हिस्से में पाए जाते हैं। हाँ, तो बात है अत्यंत विषैले कॉमन क्रेट और नॉन वेनमस बिना जहर वाले वुल्फ स्नेक की। तो हम आज आपको इन दोनों प्रजातियों में क्या अंतर है वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली पहचान की बात करें तो कॉमन क्रेट का सर गोलाई में होता है और थोड़ा मोटा होता है, और कॉमन वुल्फ स्नेक का सर चपटा और बेड़िए के शक्ल के आकार का होता है। दूसरी पहचान की बात करें तो कॉमन क्रेट की धारिया, कॉमन क्रेट की धारिया जो है वो पैर में होती है, मतलब जोड़ी में होती है, दो धारिया, उसके बाद जगह वापस दो धारिया, मतलब जोड़ी में धारिया होती है। जबकि कॉमन वुल्फ स्नेक की धारिया सिंगल होती है, मतलब सिंगल पट्टा होता है, एक 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 एक, और क्रेट का होता है दो स्पेस दो स्पेस दो। दूसरी पहचान जो धारियों में करनी है तो कॉमन क्रेट के सर पर धारी नहीं होती, उनकी धारिया गर्दन के नीचे से स्टार्ट होती है, जबकि कॉमन वुल्फ स्नेक की धारिया सर से चालू होती है। कॉमन वुल्फ स्नेक की पहली धारी जो होती है वो सर से चालू होती है, और कॉमन क्रेट की जो पहली धारी होती है, जो पहला पैर होता है, वो गर्दन के नीचे से चालू होता है। चौथी पहचान की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहचान है, इससे 100% आपको पता चल जाएगा कि सांप कॉमन वुल्फ है या कॉमन क्रेट है, और ये सबसे साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन हम बोल सकते हैं। सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो हेक्सागोनल स्केल। तो कॉमन क्रेट में शरीर के बीचों बीच एक हेक्सागोनल स्केल पाया जाता है, जैसे ये पिक्चर में मैंने बताया, ऐसे बीचों बीच पूरी एक हेक्सागोनल स्केल की लाइन होती है, और दोनों तरफ जो आम स्केल्स उसके होते हैं वो होते हैं, बीच में एक हेक्सागोनल स्केल होता है। और कॉमन वुल्फ स्नेक की बात करें तो उसके स्केल्स एक समान होते हैं, उसमें हेक्सागोनल स्केल जैसा कुछ नहीं होता। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा कॉमन क्रेट को जो पहचान है सबसे पहले हेक्सागोनल स्केल देखिए, और जैसे ही आपको पता चले कि हाँ स्केल है तो समझ जाइए कि ये कॉमन क्रेट है। फिर पांचवी पहचान की बात करें तो दोनों की शारीरिक बनावट। कॉमन क्रेट सांप का शरीर त्रिकोणा होता है, मतलब स्लोपी होता है, दोनों तरफ से स्लोप होता है, त्रिकोणा उसका शरीर होता है, जबकि कॉमन वुल्फ स्नेक का जो शरीर है वो गोलाई में होता है, उनका त्रिकोणा नहीं होता। फिर छठी पहचान की बात करें तो उनके व्यवहार से भी आप पता कर सकते हो, दूर से देख के व्यवहार से भी आप पता कर सकते हो। कॉमन क्रेट सांप जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और जबकि वुल्फ स्नेक बहुत ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं, वो एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव होते हैं, आप उनको पकड़ने जाओगे वो काटने की कोशिश करेंगे, जबकि कॉमन क्रेट बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और उनको खतरा महसूस होने पे वो भागने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों की लंबाई की बात करें तो आमतौर पर एक जैसे भी पाए जाते हैं, लेकिन कॉमन क्रेट सांप की लंबाई 5.5 फीट तक पाई गई है, जबकि कॉमन वुल्फ स्नेक एक छोटी प्रजाति का सांप है और उसकी लंबाई 30 से 32 इंच तक ही पाई गई है, मतलब 3.5 फीट से 3 फीट से छोटा। तो वो छोटी स्पीसी से छोटी प्रजाति का सांप है, वो छोटा ही होता है, बहुत बड़े नहीं होते कॉमन वुल्फ स्नेक। फिर दूसरी बात करें, इन दोनों में एक समानता भी है, दोनों प्रजाति के सांप ओविपरस है। ओविपरस का मतलब मैंने ये वाले वीडियो में भी आपको जो ऊपर वीडियो दिख रहा है उसमें भी बताया है ओविपरस का पूरा मतलब क्या होता है। ओविपरस मतलब अंडे देने वाला सांप। तो दोनों सांप ओविपरस है, दोनों सांप अंडे देते हैं। कॉमन क्रेट सांप अपने अंडे मार्च से मई के बीच में देते हैं, मतलब गर्मियों में देते हैं, मार्च से मई के बीच में, और एक बार में ये 8 से 12 अंडे देते हैं, जबकि कॉमन वुल्फ स्नेक अपने अंडे मानसून सीजन में देते हैं और एक बार में 4 से 11 अंडे देते हैं। दोनों की बात करें ज्योग्राफिकल रेंज की, दोनों सांपों की ज्योग्राफिकल रेंज की बात करें तो कॉमन क्रेट पूरे भारत में पाया जाता है और काफ़ी सारे और देशों में भी पाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये काफ़ी सारे देशों में पाया जाता है। कॉमन वुल्फ की बात करें तो ये पूरे भारत में पाया जाता है, बड़ा आम सांप है,
छिपकलियों का शिकार करता है। तो और बाकी दूसरे देशों में भी पाया जाता है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव्स, मारुति, साउथ चाइना, इतने सारे देशों में भी पाया। चाइना का जो साउथ का हिस्सा है जो इंडिया को लग के है उसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसे देख के किसी भी प्रकार के सांपों को पकड़ने की सलाह हम नहीं देते। ये वीडियो सांप पकड़ने के लिए नहीं बना हुआ है। कृपया सांप ना पकड़े और खुद की जान की परवाह करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और आपको किसी भी प्रजाति के सांपों की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सांप का नाम कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उनकी वीडियो बनाएंगे। और आपको हमारी तरफ से एक फ्री ईबुक दी जाती है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो हमें ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे vcare@cretinus.com, जो कमेंट में मैंने पिन की हुई है उसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट भेजिए आपका सब्सक्रिप्शन का। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको एकदम फ्री ईबुक हम आपको भेजेंगे जिसमें 192 स्नेक स्पीसीज से 192 सांपों की जानकारी है। धन्यवाद।